अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ LS2 जो कि मशहूर एक ब्रांड है। ये ख़ास तौर पे हेलमेट के हवाले से जो बाइकर कम्युनिटी है वो ख़ास तौर पे इसको जानती है। LS2 सबसे अच्छा ब्रांड है इस वक्त, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में जो बेहतरीन जो चल रहे हैं ब्रांड्स, उसमें LS2 का एक बड़ा काबिल एतमाद नाम है। चूँकि मैं चला रहा था 2015 से, हेलमेट को काफ़ी पुराना हो चुका, तकरीबन पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया अलहम्दुलिल्लाह, और उसी हेलमेट में, और वो हेलमेट काफ़ी पुराना हो चुका है तो अब उसको बदलने की ज़रूरत है। इस वक्त हम जा रहे हैं वहाँ पे LS2 में, जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे मॉडल्स, कौन से आर्टिकल्स इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे तमाम सफ़र में, हर सफ़र में जो मेरे साथ होते हैं, फरहान भाई इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहान भाई इस वक्त मेरे साथ जा रहे हैं LS2। शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और सुना है कि कुछ नए आर्टिकल्स आए हैं ये हेलमेट के हवाले से, अभी जाके देखते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं डिफेंस जो कि ब्रांच है LS2 की, जहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। चंद जो है ये बूंदें हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देखी जा सकती हैं। तो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है, तो वहाँ पे जाके इंशाल्लाह वहाँ के जो मनाजिर हैं, वहाँ के जो हेलमेट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो उनकी प्राइसिंग है वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि वो दोस्त जिन्होंने हेलमेट लेना है और कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई अच्छा मशवरा मैं दे सकूँ। बिल्कुल हल्की हल्की जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है, और लाहौर के मनाजिर इस वक्त के आप देख सकते हैं। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ये रास्ता है, अंडरपास में है। इस वक्त मैं अंडरपास के पास हूँ, ये कलमा चौक। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मौसम है। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ कलमा अंडरपास से, कलमा चौक पे जो वाक़ है कलमा अंडरपास। इस वक्त हम गुलबर्ग की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ से हम राइट साइड पे टर्न लेंगे डिफेंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ LS2 पे। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि इस मैं LS2 पे जा रहा हूँ हेलमेट के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये LS2 की ब्रांच है, लालक जान चौक के बिल्कुल पास है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। चले जी, आ जाओ फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? जमाल भाई ठीक है, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। जमाल भैया जी LS2 के हमारे दोस्त, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालक जान चौक पे, जो ब्रांच है LS2 की, अपने हेलमेट के लिए। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बताया था कि हेलमेट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, और LS2 से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती, सबसे बेहतरीन और पायदार है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लगे हुए हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि कुछ नए आर्टिकल्स आए हैं। अभी जमाल भाई ने मुझे कॉल पर बताया था, हम उनको भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत हेलमेट लगे हुए जी, कौन सी है जी? रैपिड सीरीज। ये रैपिड सीरीज है, इसमें ये डिफरेंट ग्राफिक्स हैं, जैसे ये ग्राफिक का नाम नॉटी है, ठीक है। ये सब रैपिड सीरीज के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट ग्राफिक्स के नाम है जी, ठीक है। आप साथ रहेंगे तो मुझे थोड़ा गाइड भी करेंगे, और बताएं। इसके बाद जो है रैपिड के बाद ये स्टीम वीवो है, स्टीम वीवो, ये उसमें डिफरेंट ग्राफिक्स हैं। अच्छा, ये भी स्टीम वीवो की लाइन है जी, ये डुअल वाइजर है, ठीक है। नहीं, ये डुअल वाइजर जो है, ये रैपिड सिंगल वाइजर है, ये डुअल वाइजर, इसमें ये दूसरा ग्लासेस भी आता है। ये कलर कितना प्यारा है ये वाला जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये तो मैं बंद करता हूँ।
ओके इस तरह इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म फेस पे, स्टॉर्म फुल फेस, जी जी ठीक है। ग्राफिक का नाम रेसर है, ओके चाहिए जीन्स है, इस ग्राफिक का नाम स्टॉर्म सीरीज है ये, जी जी ठीक। अब असल में इतनी ज़्यादा खूबसूरत सारे हेलमेट्स हैं और इनमें से तो चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जब हमें, ये कार्बन फाइबर में, ये कार्बन फाइबर है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें ये पीक जो है रिमूव भी हो जाती है। इस दफ़ा जो है ना फरहान भाई, मेरा जो प्लान बन रहा है ना वो ये पीक वाला जो हेलमेट है वो यूज़ करूँ, क्योंकि ये आप क्या समझते हैं ये शेड के लिए अच्छा है जो हमें टूर के लिए बेस्ट है? अच्छा जी, इसमें धूप वगैरह जब पड़ती है तो ये आपको सपोर्ट करती है, अच्छा छांव प्रोवाइड करती है, उसमें ये है कि आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाती है। ऑफ रोडिंग के लिए भी हाँ ठीक है, बाइक इसमें ये कौन कौन से दो ही आर्टिकल है इसमें? ये कार्बन फाइबर है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। और भी है कोई? जी जी, उसके अलावा पायनियर ईगो भी हमारे पास, एक नया ग्राफिक भी आया हमारे पास। अच्छा जी, कौन सा ये कौन सा है? इसका पायनियर है वो, अच्छा एडवेंचर ग्राफिक का नाम है। उसके बाद इसमें ये क्रूशर है, ये भी पायनियर है वो। अच्छा ये दोनों निकाले जरा फरहान भाई, क्या राय है आपकी? ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट जो कार्बन फाइबर में थंडर सीरीज है, इसी या सर्टिफाइड भी है, और जो है ये दोनों FIM के सर्टिफाइड भी हैं जो मोटो जी पी राइडर यूज़ करते हैं। अच्छा जी ठीक है, ये मोटो जी पी में यूज़ होता है जी। अच्छा जी, अभी मैंने जो निकलवाए हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का ये हेलमेट है, ठीक है। उसके साथ ये इसके ये दो पीक वाले हैं, पीक वाले बेसिकली मैंने कलर की सिलेक्शन करनी है सिर्फ, इनमें से मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो आप इसका बताएं इसके बारे में। ये पहले हमारा मॉडल आता था वेरिएंट 1, अब ये जो है ना इसको अपग्रेड किया गया, ये वेरिएंट 2 है, ओके ठीक है। ये पूरा जो है 180 डिग्री बैक पे चला जाता है। अच्छा जी, बेस्ट ट्रैवलिंग इसका क्या फ़ायदा होता है बिल्कुल पीछे लेके जाने का? इसका ये कि देखिए जो ज़्यादातर जितने भी ये LS2 ने ये बहुत स्टेबल मैकेनिज्म बनाया है कि ये 180 डिग्री बैक पे जाता है, ज़्यादातर जो फ्लिप अप यहाँ पे आके रुक जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी बिल्कुल। अब उसका क्या है कि जब वो इस कंडीशन में, वैसे तो सेफ नहीं होता चलाना, लेकिन ये कि जब वो चलाते हैं सपोज इसका नेक पे कुछ, वैसे मैं समझता हूँ इस पोजीशन में विंड प्रेशर यहाँ पे पड़ता है तो ये उसको कम करता है। जी, ये उसको कम करेगा। ये किस्म का ओपन फेस हेलमेट बन गया इस कंडीशन में, डुअल वाइजर भी है, और जो है अगर इस कंडीशन में आप वाइजर आप इस तरह आगे को किया हुआ तो जैसे ही इसको आप बंद करेंगे तो वाइजर खुद ब खुद जो है ना साथ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाता है। जी जी, ये वेरिएंट 2 है, इस ग्राफिक का नाम ग्रिपर है, प्राइस इसकी 55,000। ये 55,000 का है जी। क्या इसका ग्राफिक का क्या नाम बताया? ये है वेरिएंट 2 ग्रिपर नाम है ग्राफिक, ग्रिपर ठीक है। इस वक्त फरहान भाई मुझे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है ना ये लग रहा है, इसका कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये क्या मतलब कलर का क्या ये देखें हमारे पास भी नहीं है, पहले आया था, अब ये जो इस मॉडल जो है पहले मॉडल आता था हमारे पास पायनियर, अब ये बिल्कुल जो आपने इस कलर आपको पसंद आ रहा है ये पायनियर ईवो है एडवेंट, और ये जो ग्राफिक है ये भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट ग्राफिक है ठीक है ठीक। और अभी यहाँ हाल ही में हमारे जो फ्रेश इम्पोर्ट आई है उसमें जो है ये ग्राफिक आया है। इसमें और पायनियर ईवो और पायनियर में फ़र्क क्या है कि पायनियर में जो कम्युनिकेशन की साइड अंदर जो है पैडिंग में जगह नहीं थी। अच्छा, इसमें जो है ना उसको जगह बना दी गई है, ठीक है कि इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस भी लग जाएगी। अच्छा, और इसको जो है उससे ज़्यादा जो है उसकी चेन वेंट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव किया गया, इसकी एग्जॉस्ट पोर्ट्स को इम्प्रूव किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी साउंड प्रूफिंग को भी जो है ना यहाँ पे चेन टैब लगाई गई है, ताकि वो चेन उसकी जो है इस जगह पे चेन टैब लग जाती है, उसको साउंड प्रूफ भी बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और ये KPA मटेरियल का काइनेटिक पॉलीमर अलॉय, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कौन सा मटेरियल होता है? KPA काइनेटिक पॉलीमर अलॉय मटेरियल का। अच्छा जी, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और डुअल वाइजर है। अच्छा, ये जो अप्रूवल इनकी अप्रूव होता है कि डॉट से? जी जी, ये जो है ये ECER 22-05 ये यूरोपियन सर्टिफाइड हेलमेट्स हैं। अच्छा जी ठीक है। और इसमें ये जो इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन है ये उस पर अच्छा, डॉट का सर्टिफिकेट और है जी, डॉट अमेरिकन है जी जी ठीक है, और ECER जो है ना ये यूरोपियन है ठीक है। चलिए, बड़ा तफसीली आपने बताया, इसमें मज़ीद क्या फंक्शन है आप बता सकते हैं? इसमें डुअल वाइजर भी है,
ठीक है, बाकी पैडिंग जो है कंप्लीट वॉशेबल है, डुअल वाइजर इसका सेम उसी तरह जैसे दूसरे हेलमेट का था। इसके कलर स्कीम अंदर से चेक करें इधर जी, जी पैडिंग और इसकी जो पैडिंग है वो रिमूव आसानी से जो है वो वॉशेबल है और रिमूवेबल है। ठीक है, और कम्युनिकेशन डिवाइस लगाने की भी जगह है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आफ्टर सेल आपको पैडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, वाइजर की ज़रूरत पड़ जाती है जी जी, तो वह भी हमसे मिल जाती है चीज़। हर चीज़ इसकी मतलब अवेलेबल है यहाँ पर। ये LS2 के KP, पे ये के पी मटेरियल का है, कैनेटिक पॉलीमर अलॉय, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ठीक है, है। ये तो बिल्कुल अब जो है ना इस पर ठीक है, ये डुअल फंक्शन है, लेकिन अब उनकी उनके सामने ये फरहान भाई आप मुझे साथ को आप बुलाने का मकसद है, आप मशवरा दें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट है मुझे वैसे पर्सनल, अगर ये वाला कलर थोड़ा सा स्पेसिफिकेटेड है क्योंकि आप जो है फुल फेस में इंटरेस्टेड, क्योंकि आप अनसोफिस्टिकेटेड की सिलेक्शन नहीं कर सकते। पास कलर दूसरा पड़ा, ये दोबारा एक बार कलर दूसरा पड़ा मैं ले सकता हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये मुझे ना कलर इसलिए पसंद है कि एक नया कलर है, मतलब अब थीम एक नया है ओवरऑल। मैं इसको ना ट्राई करके देखता हूँ। ये गोल्डन है, ब्लू कलर। प्राण भाई कैसा लग रहा है? जबरदस्त, कैसा लग रहा है? क्या नाम है वो भाई जान? जमाल भाई। ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, तो साइज है ना? हाँ, आप ना पहले ऐसा करें, पहले हेड साइज कर लें, ठीक है? हेड साइज कर। अच्छा, ये साइज तो बहुत बड़ा है, कोई जरा हेड साइज देख लो कितना होता है। कौन सा आएगा? 758 कौन सा साइज निकाला आपने? मीडियम साइज। मीडियम साइज पेन के चेक करें। चलिए ये इसको भी स्कैन किया जा सकता है। मीडियम जी, ठीक है। अब ये यहाँ से बस ये देखिएगा सर कि आप इस पर देखिएगा सर कि दबाव को प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि कानों पर चढ़ के आप आप लॉन्ग के लिए भी यूज करें, ये ना हो गया आधा घंटा पहने और बाद में नहीं है। ये जबरदस्त है साइज, मीडियम आया जी, बिल्कुल मीडियम को ओके करें। ये इसकी इस पर भी दिखाएं बॉक्स पे, ये एडवेंचर पाइनियर ईवो MX436 मॉडल का नाम है। पाइनियर ईवो एडवेंचर मीडियम साइज, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर आमिर भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया। जमाल भाई ये साइज फिट है जी जी, बहुत ज़बरदस्त। देखिए यहाँ से चीक प्रेस होनी चाहिए ताकि फिर टाइम जो है ना वो हेलमेट जो है कुछ ना कुछ पैडिंग ब्रेक भी होती है जी जी, तो बाद में ये ना ज़्यादा लूज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली मैंने एक को सिलेक्ट किया है, जो परचेज़ किया है ये है LS2 का पाइनियर ईवो एडवेंचर। ये जो इसके ग्राफिक्स हैं वो एडवेंचरर के नाम से है, बिल्कुल सेम साइज़ इस वक्त ये बॉक्स में है। ये ज़रा लार्ज साइज़ था जैसे कि मैंने वीडियो में आपके सामने चेंज किया है, ये मुझे आया है मीडियम। ठीक है जी, इजाज़त है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ये दोस्तों ये LS2 डिफेंस में लालक जान चौक में ये आउटलेट है, इसके अलावा कराची में भी है। कराची में हमारा हेड ऑफिस है, कराची में हेड ऑफिस है, दो शोरूम्स कराची में जी, और एक अभी एक नया शोरूम जो इस्लामाबाद में एफएड मार्केट में भी ओपन हो चुका है। अच्छा जी, माशा। बाकी हमारी वेबसाइट LS2helmetspk.com भी है, वेरी गुड, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन ये जो आपका वो एक है यूट्यूब का पेज भी है, यूट्यूब का चैनल है, उसका जो जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो में। लॉट ऑफ थिंग्स हियर, हम अपने शौक की जितने भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा कुछ चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्वालिटी की जो है ना इस वक्त देखा जा सकता है कि क्वालिटी चीज़ पकड़ के पता चल जाता है
ये टॉप बॉक्स है बाइक, और ये साइकिलिंग वाला भी है, ये जैकेट्स हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त हम अपनी जो है वो परचेजिंग पूरी कर चुके हैं, जैसा कि ये वाला आर्टिकल अभी हमने परचेज़ किया है। और इसके साथ ही मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपको टोन जरूर करते हैं।